बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सभी बच्चों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हमारा टॉपिक चलेगा कालिदास। कालिदास की संस्कृति में क्या योगदान रहता है, मध्यकालीन भारत की संस्कृति में क्या योगदान रहता है। कालिदास का टॉपिक जो है उसमें मध्यकालीन भारत के धार्मिक सुधार आंदोलन में भी ये टॉपिक आया था और कालिदास को हम आज देखेंगे बच्चों। कालिदास, ठीक है, देखो यहाँ कालिदास का नाम लिया है। नाम क्या है, काली भी है और ये दास भी है। अब कालिदास का सबसे पहले हम इसका जन्म देखेंगे, कालिदास का जन्म, और फिर इसका निवास स्थान देखेंगे कि ये कौन से निवास स्थान में था, जन्म कहाँ हुआ था। हालांकि कालिदास के जो इतिहास है इसकी हिस्ट्री जो है ना बच्चों, उस पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। इसके जन्म स्थान को लेकर मतभेद है, इसके निवास स्थान को लेकर मतभेद है, और कालिदास के निवास स्थान को लेकर कालिदास का जो वैवाहिक संबंध जो होता है उस पर भी एक कहानी है। कालिदास किस तरह से एक विद्वान बन जाता है, विद्वान के रूप में काली माता की ये पूजा करता है, काली माता कोई चमत्कार कर देती है और चमत्कार करने से कालिदास के जीवन में एक उल्लास का जीवन आ जाता है, एक आनंद का जीवन आ जाता है। और आनंद के जीवन के बाद कालिदास के महाकाव्य कितने हैं, कितने महाकाव्य हैं कालिदास के। कालिदास के अगर हम जीवन के इतिहास को देखते हैं तो जीवन के इतिहास में कालिदास के कितने महाकाव्य आ रहे हैं बच्चों, कितने महाकाव्य हैं, कितने खंड काव्य हैं, है ना, खंड काव्य कितने हैं और कितने जो है इसके नाटक। कालिदास ने नाटक नहीं किया था बच्चों, कालिदास के कितने नाटक की रचना की थी इसने, नाटक में कितने नाटक की रचना की थी। ये तीन चीज़ें मुख्य हैं कालिदास की। कालिदास के दो महाकाव्यों के नाम बताएंगे, कालिदास के खंड काव्यों के नाम देखेंगे और नाटकों के नाम देखेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी इनकी व्याख्या देखेंगे, थोड़ा इसका जन्म देखेंगे भी, इसका जन्म में मतभेद कहाँ कहाँ, अधिकांश इतिहासकार किसको मानते हैं कि कालिदास का जन्म यहाँ हुआ था, कालिदास का जो परफेक्ट निवास स्थान है वास्तव में कालिदास का निवास स्थान कौन सा था, वैवाहिक जो सब, कालिदास की पत्नी कौन है बच्चों, कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा है, कौन है बच्चों, विद्योत्तमा है। कालिदास एक विद्वान थे, काली माता की पूजा की थी, काली माता ने इनके सिर पे हाथ रख दिया था और एक चमत्कार हो गया था, और कालिदास एक बहुत बड़े पूरे भारत के प्रसिद्ध विद्वान बन गए थे। क्या बन गए थे बच्चों, विद्वान बन गए थे। यहाँ क्या है, महाकाव्य है, यहाँ क्या है, खंड काव्य है, यहाँ क्या है, नाटक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपने, महाकाव्य देखना है तो कौन सा है, खंड काव्य कौन सा है और नाटक कौन सा है, ये तीन चीज़ों पर ही दिमाग रखना। और तीन चीज़ अगर अपन ढंग से पढ़ ली तो पूरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो लो यहाँ पे, और आराम से आप यूनिवर्सिटीज एग्जाम में आराम से आप कॉपी भी भर सकते हो और बढ़िया लिख सकते हो। तो जन्म सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ इनकी जन्म से। कालिदास का जन्म विक्रमादित्य के समय मानते हैं, विक्रमादित्य प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। आप बच्चों प्रथम शताब्दी का ही हुआ है, प्रथम शताब्दी 100 ईस्वी के अंदर, 100 ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विक्रमादित्य के समय कालिदास रो जन्म हुए हो, कालिदास का जन्म हुआ था। ये पहला फैक्ट है ये, ठीक है। कुछ विद्वान माने कि प्रथम शताब्दी में एक विक्रमादित्य हुआ था। इतिहास में विक्रमादित्य घना हुआ है, 1, 2, 3, 4 नहीं है, कम से कम 13-14, लगभग 14 विक्रमादित्य हुआ इतिहास के अंदर। तो ये है अपने पहला फैक्ट है, ये कौन सा पहला फैक्ट है। अब हम इसके जन्म का दूसरा फैक्ट की बात करें तो आप गुप्त काल में आ जाओ। प्राचीन भारत को इतिहास तो आप बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में घना अच्छे तरीके से पढ़िया भी है। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल भी देखा, मौर्य वंश भी आया था, कुषाण वंश है, शक वंश है, और शक वंश के बाद में अब सातवान वंश भी है, और सातवान वंश के बाद एक गुप्त काल जरूर सुने नाम। गुप्त काल का मतलब कई हुआ बच्चों, ये गुप्त काल नहीं स्वर्ण काल कहता है ना, कई कहता स्वर्ण काल,
गुप्त काल स्वर्ण काल कहता, क्योंकि गुप्त काल के अंदर घना तो मंदिर बनिया। गुप्त काल में वैज्ञानिक भी, वैज्ञानिकों की भी कोई कमी नहीं, खूब सारा वैज्ञानिक होया। गुप्त काल में खूब सारा साहित्यकार भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में अनेक आविष्कार हुए, अनेक आविष्कार गुप्त काल में हो। वास्तव गुप्त काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। और इसी गुप्त काल में आपने गुप्त काल को संस्थापक तो कौन थो बच्चों? गुप्त नाम से ही संस्थापक श्रीगुप्त हो। कौन हो? श्रीगुप्त गुप्त काल को संस्थापक हो। बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट आया, समुद्रगुप्त आया, और समुद्रगुप्त के बाद में कौन आता है? चंद्रगुप्त सेकंड जरूर का नाम सुना होगा। दिल्ली में एक लोहे स्तंभ जो है, मेहरौली लोहे स्तंभ को नाम जरूर सुने होगा आप, मेहरौली लोहे स्तंभ। ओ मेहरौली लोहे स्तंभ जो है, ये मेहरौली लोहे स्तंभ, यो स्तंभ जो है, इस पर कभी जंग नहीं लागे हो बच्चों। और इतना सॉलिड हो कि पे मेहरौली लोहे स्तंभ है, और मेहरौली लोहे स्तंभ से ही चंद्रगुप्त, ये मेहरौली लोहे स्तंभ से ही चंद्रगुप्त के सेकंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्रगु नाम लिखो लो कि वो चंद्रगु कौन है, वो चंद्रगु कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड ही है, चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो चंद्रगु है। और ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय क्या हुआ? इसी चंद्रगुप्त सेकंड के समय क्या हुआ बच्चों? इसी चंद्रगुप्त सेकंड को एक उपाधि धारण कर ली थी इन्होंने, और वो उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि थी। ये कौन सी उपाधि है? ये विक्रमादित्य की उपाधि है। और इसी विक्रमादित्य के दरबार में, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नौ रत्न आ, और नौ रत्न में एक कौन हो? कालिदास भी हो। यहाँ से कालिदास को जन्म जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय, अधिकांश विद्वान इन्हें राइट मान रहा है कि अधिकांश विद्वानों के अनुसार, अधिकांश विद्वान कह लियो, इतिहासकार कह दो आप, इतिहासकार, अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड को जन्म किसके समय में हुआ था? कालिदास का जन्म किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में हुआ था। और चंद्रगुप्त सेकंड का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य नाम है। कौन सा नाम है? विक्रमादित्य नाम है। तो यहाँ ये इसके जन्म की कहानी पूरी हो गई। अब जन्म की कहानी पूरी होने के बाद अब हम निवास स्थान की बात करेंगे कि निवास स्थान जो था वो कौन सा था। निवास स्थान की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कुछ इतिहासकार या कुछ विद्वान कहते हैं कि काशी में इसको जन्म हुआ, काशी में इनका जन्म हुआ था। और काशी कट है बच्चों, कोई जाना कि काशी कट है? काशी को एक दूसरा नाम भी है, बनारस। अब तो सब लोग जान गया कि हाँ भाई, बनारसी साड़ी तो सब जानता है, सब जानते हैं बच्चे। बनारस का नाम जरूर सुनी हुआ है, बनारस यूपी के अंदर है, और यूपी यानी बनारस, और इस बनारस को ही क्या कहते हैं? काशी कहते हैं। काशी को नाम आप मूवी में जरूर सुनी हुआ है बच्चों, काशी जो है, काशी पर 80 घाट है। कितना घाट है? 80 घाट है। काशी एक पर्यटक स्थल माना है, पर्यटक स्थल माना जाता है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि काशी में इनका जन्म हुआ था, कुछ विद्वान कहते हैं कि बंग प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब वो बंग प्रदेश कहीं है, बांग्लादेश में या बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। कुछ इतिहासकार विद्वान का ही कहवा है बच्चों, कुछ विद्वान इतिहासकार कहवा है कि कालिदास को जन्म उज्जैन में होता है। किस में होता है? उज्जैन में होता है। उज्जैन को नाम जरूर सुनिए, राजस्थान के मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन जो है बच्चों, ये राजस्थान के मध्य प्रदेश में स्थित है। एक विद्वान, दो, तीन, चार नहीं, घना विद्वान, अधिकांश विद्वान कहते हैं कि कालिदास का जन्म तो उज्जैन के MP में हुआ है। कौन सी जगह? उज्जैन के MP में हुआ। अब कालिदास का वैवाहिक संबंध देखो तो विद्योतमा, कालिदास की पत्नी का नाम क्या है? विद्योतमा इनकी पत्नी का नाम है। कालिदास के लिए कहा जाता है कि जिस पेड़ पर ये बैठे हुए थे उसी पेड़ की डाल को काट रहे थे। विद्योतमा जो थी वो गुणवानी थी, और सारा शस्त्रा को ज्ञान थो विद्योतमा ने। विद्योतमा ने एक शर्त रखी थी कि मैं तो उसी से अपना विवाह करूंगी, मेरा तो वही राजकुमार होगा जो मेरी तरह पूरी तरह से जो विद्वान होगा, और जिसको सब चीज़ों को ज्ञान होगा। तो वो जो विद्योतमा, वो दरबार के अंदर जितना भी जो ब्राह्मण लोग वहाँ इसे ज्ञान की चर्चा करता बटे, तो सारा ब्राह्मण की वह ब्राह्मण ने अपमानित कर दी, वे की इंसल्ट कर दी। तो सारा ब्राह्मण इसे विद्योतमा से कई था नाराज था वे, और विद्योतमा से नाराज था। तो ब्राह्मण ने सोचो कि विद्योतमा ने सबक सिखाबा को टाइम आ गया, अब इसके लिए ऐसा राजकुमार ढूंढ रहे जो पूरे पागल हो।
जिन्हें कहीं भी ज्ञान नहीं हो, तो ऐसो गांव के अंदर देखियो रहे, देखियो गांव के अंदर देखियो रहे, एक कालिदास जो थो, कालिदास जो जो जी पेड़ की डाल पे बैठे भी नहीं काट रहे हो, तो ब्राह्मण सोचियो रहे इससे बड़ो मूर्ख तो पूरी दुनिया में कट्ठे ही होने, इन्हें ले लो। कालिदास ने सौगंध दिला दी, रे भाई तू तो केवल इशारा में बात कर लो, मैं थाने इशारा बता दे वाला कि भाई क्या बात करनी है। दरबार में कालिदास ने पकड़ कर ले गया और विद्युतमन ने कहा वो तो पूरे वर्ल्ड को महान विद्वान है कालिदास। अब देखो कालिदास पूरे वर्ल्ड को, विद्युतमा जो थी विद्युतमा ने कहा कि भाई देखो वो मौन व्रत धारण करेड़ो है कालिदास, वो इतना बड़ो ज्ञानी है, इतना बड़ो ज्ञानी है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब वो केवल आपने इशारा में जो है परमात्माकार आत्माकार ज्ञानकार जो था कि विद्या चर्चा है वो इशारा में ही दे लो, ठीक है बच्चों। अब कहें कि विद्युतमा उन्हें पूछी कि विद्युतमा एक बताई भाई, एक आंगली बताई तो कि भाई संसार में आ एक चीज है, तो विद्युतमा दो आंगली कर दी। वो कालिदास सोच रहा विद्युतमा हमारी एक आंख फोड़ ली, मैं कि दोनों आंख फोड़ दूला। फिर बाद में वो ऐसे पांच बताया कि भाई शरीर के अंदर पांच तत्व होते हैं, है ना, इंद्रिय जो है जलवायु अग्नि पांच तत्व होते हैं। तो कालिदास सोच रहा मैंने चलो चाटो आ दो, पांच आंगलियां बता रही मारे मुंडा पे चाटो रखे ले रहा है। अब तो कोई ना कोई कालिदास के दिमाग में आया और मैंने देखो घोंसो रखूला। अब कालिदास का ही क्या है कि घोंसो रखूला और कालिदास मुट्ठी बताई कि मुट्ठी बताई पूरी कि भाई मुट्ठी बताई। तो बाद में ब्राह्मण लोग चर्चा करी कि भाई विद्युतमा बता रही कि पांच इंद्रियां हुआ, तो कालिदास कह रहा है कि भाई ये पांच इंद्रियां जो है सब एक दूसरा से जुड़ी हुई है, एक दूसरा के संपर्क में है, इससे ही संसार चल रहा है। ये तरीका विद्युतमा जो थी और कालिदास जो है वो वैवाहिक संबंध में बंध गया। बाद में विद्युतमा ने एक दिन कही कि घर गया, अगर घर गया तो एक ऊँट ऊँट जा रहे हो, तो विद्युतमा पूछो अरे भाई कौन है, कालिदास बोले रहे हो तो ऊँटड़ो है। और विद्युतमा सोच रहे हो तो कटा गंवार के साथ मरी मर ब्याह हो। अब गंवार हो तो बिल्कुल कहीं नहीं आवा, विद्युतमा तो बड़ो अंदर गुस्सो ही क्रोधित हुई और विद्युतमा ने कालिदास को धमका, कालिदास को घरू रवाना ही कर दियो भाई तू कि धोखा मारे साथ तो धोखो हो। कालिदास रवाना हो गए और काली माता के मंदिर में यार बैठ गए और वहाँ तपस्या करवा लागे और तपस्या करता करता कालिदास ने तो ज्ञान हो गया और ज्ञान होते ही कालिदास क्या बन गया बच्चों, विद्वान बन गया ये। अब यहाँ विद्वान बन गया। अब देखो कालिदास की जो रचना है वो तीन मुख्य रचना है, एक महाकाव्य है, एक खंड काव्य है, एक नाटक है। ये तीन पर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, महाकाव्य खंड काव्य नाटक। अब मैं महाकाव्य खंड काव्य और नाटक की चर्चा करूँगा अब मैं, ठीक है बच्चों। की ये महाकाव्य कौन सा है और खंड काव्य कौन सा है और नाटक कौन कौन से हैं कालिदास के। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये देखो इधर ये ले लिया मैंने, यहाँ देखिए बच्चों ये तो है नाटक, ये है खंड काव्य और इधर है कालिदास की। मुख्य तीन चीज़ों को ध्यान रखना आपने, पहले नाटक है, खंड काव्य है और खंड काव्य के बाद में अरे तीसरों का ही है बच्चों, तीसरों खंड काव्य तीसरों का ही है भाई, महाकाव्य तो भूले ही क्या बच्चों, महाकाव्य क्या है, महाकाव्य तो महाकाव्य के अंदर एक को नाम आता है रघुवंश और एक आता है कुमार संभव, ये दो तो कही है महाकाव्य है रघुवंश और कुमार संभव। खंड काव्य के अंदर एक तो नाम आता है मेघदूत का नाम आता है और एक दूसरा आता है ऋतु सहार का नाम आता है। इधर नाटक के अंदर देखो आप एक का नाम आता है विक्रमो वर्षीय नाम आता है और दूसरे का नाम आता है मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्रम। तो नाटक तो कितना हो गया बच्चों, दो हो गया। ये खंड काव्य कितना हो गया, दो हो गया। महाकाव्य कितना हो गया, दो हो गया। सीधी सीधी बात है, दो और दो चार, दो छः, टोटल ये छः चीज़ें आपने ध्यान रखनी और छः चीज़ें में यूनिवर्सिटी को पूरा क्वेश्चन पूरा होना है आपने। तो छः चीज़ें आई तो नाटक है, खंड काव्य और महाकाव्य है। थोड़ी थोड़ी इनकी व्याख्या भी करेंगे हम। यहाँ
मालवी का अग्निमित्रम कितना अंक में? 7 अंक में। विक्रमोर्वशीय कितना अंक में? 5 अंक में। यहाँ रघुवंश में कितना सर्ग है बच्चों? 19 सर्ग है, ध्यान रखना था ना, 19 सर्ग है। और कुमार संभव में कितना है? 11 सर्ग है। ये छोटी छोटी चीज़ें तो ध्यान रखना, तभी तो यूनिवर्सिटीज में नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाला है। नंबर तभी मिल जब आप फैक्ट तथ्य लिखना पड़े लो, बटे मसाला तो डालना ही पड़ी, तभी तो सब्जी में स्वाद आए लो। अब देखो रघुवंश में 19 सर्ग है, कुमार संभव में 11 है, यहाँ विक्रमोर्वशीय में 5 अंक और मालविका अग्नि 7 है, मेघदूत है और ऋतुसार है यहाँ पे। अब मेघदूत और ऋतुसार में तो 6 सर्ग है, ऋतु भी कितनी 6 ऋतु आया बच्चों, 6 इसका सर्ग है। अब एक एक को थोड़े थोड़े वर्णन करना है इसमें। तो सबसे पहले रचना कौन सी है? नाटक की रचना। कालिदास जो थो, जब इन्हें काली माता ने इनको ज्ञान दे दिया था, सद्बुद्धि आ गई थी, और सद्बुद्धि आ गई तो कालिदास का ही करियो सबसे पहले एक नाटक बनाया मालविका अग्निमित्रम को। और मालविका अग्निमित्रम को नाटक जो है वो किससे संबंधित है? मालविका अग्निमित्रम का नाटक प्राचीन भारत में ही संबंधित है बच्चों, प्राचीन भारत से ही संबंधित है। प्राचीन भारत में बीए पढ़ फर्स्ट ईयर में आपने एक क्वेश्चन पढ़ियो तो पुष्यमित्र शुंग पढ़ियो सब लोगों ने, पुष्यमित्र शुंग बच्चों, ये पुष्यमित्र शुंग जो है इसका बेटा कौन था? इसका बेटा था अग्निमित्र। कौन है? इसका बेटा अग्निमित्र। इस अग्निमित्र के राज्य के अंदर एक दासी रहती थी, और जो दासी जो थी, दासी अग्निमित्र, तो अग्निमित्र तो इसका खुद का नाम है, राजकुमार का नाम। पुष्यमित्र शुंग के बेटे का नाम अग्निमित्र है, और मालविका जो थी वो दासी थी। मालविका कौन है? दासी है बच्चों। अब कई होयो कि अग्निमित्र जो थो अपनी दासी से ही प्रेम करने लग गयो, दासी से ही बोल दो चाल दो, बार दासी को सब छोटे बड़ो जो भी काम को, जो दासी को बार बार दासी के पास में जाते हो, तो अग्निमित्र की पत्नी ने बेम होयो कि भाई शंका हो गई। अब शंका हो गई अग्निमित्र की पत्नी ने, अग्निमित्र ने किया, भाई तू दासी दासी ने जो भी काम है सब दासी के पास में, बार बार दासी नहीं दासी के पास में आना जाना, दासी से बोलना चालना उठना सब दासी से। तो अग्निमित्र की पत्नी अग्निमित्र पे दबाव बनायो कि इस दासी ने तो जेल में बंद करवाई छोड़ूला मैं, और ये मालविका ने कई किरो जेल के अंदर बंद कर दी। मालविका को जेल में बंद कर दिया, और जेल में बंद करने के बाद में 5-6 महीना बाद में सच्चाई पता लगेगा, आ तो फलाना फलाना देश की राजकुमारी है, फलाना फलाना देश की या राजकुमारी है मालविका। और ज्या ही पतो लागियो ये अग्निमित्र जो थो वो अपनी पत्नी ने छोड़ मालविका से विवाह कर लियो कि आ भी राजकुमारी है, आ दासी कोनी, दासी तो भी टाइम में ही, आ दासी कोनी, आ मालविका तो कौन है? राजकुमारी है। और ये राजकुमारी से विवाह कौन करियो? अग्निमित्र। तो आई जो कहानी है वह मालविका अग्निमित्र में है, और आ कितना भागा में है बच्चो? आ 7 भागा में है। कितना भागा में है? 7 भागा में है। इसका कितना भाग है? 7 भाग है। मालविका अग्निमित्र के बाद हम विक्रमोर्वशीय की बात करेंगे। हम विक्रमोर्वशीय जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक बच्चों 3 हुए हैं एक अंदर नाटक, एक नाटक आप भूले हैं आपका, एक नाटक और है, 3 है नाटक, ये 3 और 2, 5 और 6, 7 टोटल कितना है? ये 7 है। ये एक अभिज्ञान शाकुंतलम भी एक नाटक है जो बहुत प्रसिद्ध नाटक है कालिदास को, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक बहुत फेमस नाटक है कालिदास को। अभिज्ञान शाकुंतलम है विक्रमोर्वशीय है, विक्रमोर्वशीय में ये एक रहस्य से भरा हुआ नाटक है। विक्रमोर्वशीय जो है एक रहस्य उर्वरा, एक तो उर्वरा है और एक उर्वशी है, ये दो हैं बच्चों, एक देखो पूर्वरा है और एक उर्वशी है, एक तो पुरुरवा है और एक उर्वशी है, ये दो है, एक तो उर्वशी है एक पुरुरवा है। उर्वशी की कहानी सुनो तुम। उर्वशी के इंद्र के दरबार के अंदर नृत्य करती, इंद्र के दरबार में उर्वशी नृत्य करती, और ये उर्वशी ने पुरुरवा से प्रेम हो गया इन्हें। अब उर्वशी को ध्यान दे तो पुरुवा में, और उर्वशी ध्यान से नृत्य करती को ने इंद्र भगवान ने वो पतो लाग गयो कि उर्वशी अब को ध्यान ही वो विचलित है। अब उर्वशी को ध्यान विचलित और सच्चाई को पतो लगाया कि भाई पृथ्वी पे पूर्व भी वटे हो
इंद्रलोक में बाद में उर्वशी, इंद्र भगवान ने उर्वशी को श्राप दे दिया और उर्वशी को भेज दिया पृथ्वी पर कि अब इंद्रलोक में थारे लिए कोई जगह को नहीं, अब तू पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा थाने। आज जो कहानी है वहाँ की मैं बच्चों विक्रमो वर्षीय में है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो इसमें कितने 7 अंक हैं, 7 अंका को नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें एक विश्वामित्र और मेनका की बेटी की बच्चों विश्वामित्र और मेनका की बेटी, बेटी को नाम गई हो शकुंतला नाम हो बच्चों, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से ही नाम भी हो अभिज्ञान अभी यानी अभी ज्ञान का मतलब ज्ञान आ गया और शाकुंतलम यानी शाकुंतला को। शकुंतला जो थी वो विश्वामित्र की बच्ची है, किसकी? विश्वामित्र। विश्वामित्र और मेनका की बेटी कौन है? शकुंतला है, शकुंतला। और दुष्यंत जो है वो कोई राज्य को एक दुष्यंत राजा है, दुष्यंत कौन है बच्चों? राजा है। शकुंतला और दुष्यंत आपस में एक गंधर्व विवाह कर लिया, गंधर्व विवाह कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों? गंधर्व विवाह कर लेते हैं। विवाह भी कितना प्रकार का हुआ है? 8 प्रकार का विवाह हुआ है। आर्ष विवाह हुआ है, प्रजापति विवाह हुआ है, ब्रह्मा विवाह हुआ है, गंधर्व विवाह हुआ है और देव विवाह हुआ है ना, देव विवाह, पेशाज विवाह हुआ, राक्षस विवाह हुआ, 8 प्रकार का विवाह होया करे। 8 प्रकार के विवाह में गंधर्व विवाह को मतलब है प्रेम विवाह, जिन्हें प्रेम विवाह जिन्हें आज वर्तमान में कई बोले बच्चों। देखो बच्चों दुष्यंत और शकुंतला जो है ये गंधर्व विवाह कर लेते हैं और गंधर्व विवाह करने से एक ऋषि, एक जो दुर्वशा ऋषि श्राप देते हैं, कोई बात हो जाती है और श्राप देने के बाद शकुंतला और दुष्यंत दोनों ही अलग अलग बिछड़ जाए और एक अंगूठी के माध्यम से ये वापस अंतिम समय में वापस जाकर मिले। तो इस घटना ने अभिज्ञान शाकुंतलम में पूरी कहानी लिखी गई है, ठीक है। अब हमने नाटक में 3 नाटक पूरे कर लिए, मालविका अग्निमित्रम की भी कहानी पढ़ी, अभिज्ञान शाकुंतलम की भी कहानी पढ़ी और नाटकों के अंदर हमने ये वाली कहानी भी पढ़ी। अब खंड काव्य की, पहले हम महाकाव्यों की बात करेंगे। रघुवंश, रघुवंश में बच्चों तुम सब जानते हो रघुवंश में रामायण के अंदर कौन हुआ बच्चों? राम की कहानी है, राम सीता, राम और लक्ष्मण और ये शत्रुघ्न और 4 भाई है ये और एक और इधर राम और लक्ष्मण की जोड़ी रहती है। राम लक्ष्मण तो वनों के अंदर 14 साल तक, सीता भी रहती है राम के साथ वनों के अंदर, ये जो है अपने पिता के वचन को निभाने के लिए जाते हैं और जो मायावी रावण जो होता है उसका उसका अंत करके ये वापस यहाँ भारत में आता है। उसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ भारत में कई को त्यौहार मनाया बच्चों, दीपावली को त्यौहार मनाया जाता है और बड़ी खुशियों से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल तो कोरोना काल के चलते पटाखों पर भी पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी अब जो है बारूद का प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि वह नहीं, खूब सारी बीमारियाँ फैल रही है, जुकाम हो थोड़ा सो तो कोरोना हो गयो, अब वो कोरोना पदों ने जाए लोकद। अब देखो बच्चों यहाँ रामायण है तो रघुवंश की जो राजा महाराजाओं की पूर्वज है इनके दिलीप हुआ था रघुवंश में, तब से लेके और राम तक के इतिहास इस रघुवंश में लिखे हुए हैं। आ रघुवंश के इमें 19 सर्ग है, 19 सर्गा में लिखे हुए हैं। कुमार संभव में विष्णु भगवान का जो है, भगवान शिव और विष्णु के अवतारों की चर्चा की गई है, कार्तिकेय की चर्चा की गई है, किसमें? इसमें कुमार संभव के अंदर। कुमार संभव ये 2 महाकाव्य हुआ। अब खंड काव्य की बात करेंगे, यहाँ मेघदूत है और यहाँ ऋतुसार, ऋतुआ कितनी होती है बच्चों? 6 है, सब जानो आप, 6 ऋतु है। यहाँ मेघदूत की बात कर लेते हैं कि ये मेघदूत का ही चीज़ है। मेघदूत को मतलब ये हुआ है बच्चों कि एक यक्ष नाम को एक राजकुमार हो और यक्ष नाम को राजकुमार हो और वो एक रानी से प्रेम करते तो यक्ष नाम को एक रानी से इन्हें प्रेम हो गया था रानी से। अब देखो हो क्या हुआ बच्चों, इस एक कुबेर इंद्रलोक में कुबेर है, कुबेर ने इन्हें श्राप दे दियो यक्ष ने और इन्हें अलकापुरी से विदा कर दियो और इतना रत्नागिरी भेज दियो इन्हें। कौन सी जगह? अलकापुरी हूँ इन्हें तो रवाना करियो और कट भेजो, रत्नागिरी भेज दियो इन्हें। अलकापुरी से रत्नागिरी चला गया था, अब रानी और यक्ष दोनों बिछड़ गया था और अब कहेगी यक्ष जो था वो अपने रानी ने संदेश भेज रहा है, वो की माध्यम से?
वो मेघ के माध्यम से संदेश भेज रहा है। किसके माध्यम से? मेघ के माध्यम से। तो मेघ भी कितना मेघ हुआ? उत्तर मेघ और पूरब मेघ। एक उत्तर मेघ के माध्यम से भेजो, एक पूरब के माध्यम से संदेश भेजो। वही कहानी मेघदूत के अंदर दी गई है। और इस तरह से वो कालिदास वाला टॉपिक आप अटेंड आप फिनिश करा ला। अब बच्चों देखो, कालिदास की कुछ विशेषताएं हैं कि जो है कालिदास के जो मेन तो ये थी, इनकी भाषा जो थी वो सरल थी, लिखने का जो माध्यम कैसा था उसमें उसमें हाव भाव क्या थे, अभिव्यक्ति क्या थी, वो सब पीडीएफ में आपके आया हुआ, उसमें आप पीडीएफ में देखो, सहज थी, सरल थी और स्पष्टता थी। उत्तर से मेघ की जो जो जा रहे मेघ उसका वखान कैसे होता है वो सब पीडीएफ में आपको और अच्छे से मिलेगा। अब मेन मेन बात आप कर लिए थे आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। और कल नेक्स्ट वीडियो में आप फिर मिलना। ओके, थैंक यू वेरी मच।